हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम उदय सिंह फ्रॉम बाल भारती हाई स्कूल नागा चौधरी। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, हिज फर्स्ट फ्लाइट, लियम ऑफ फ्लैटी द्वारा लिखी गई थी। आज हम इसका सेकंड पार्ट रीड करते हैं, द ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक काला एरोप्लेन, हवाई जहाज, यानी काला हवाई जहाज। इसके बारे में इसके जो राइटर हैं फ्रेडरिक फॉरसेथ, तो इस लेसन में लेखक जो है वो पायलट है। एक दिन वो लेखक अपने डकोटा जहाज से, जो डकोटा जो जहाज में फ्रांस से लौट रहा था और इंग्लैंड जा रहा था, रास्ते में उसको तूफानी बादल मिलते हैं और उसको बहुत हैरानी होती है। जो उसके जो कंपास थे, दिशा सूचक यंत्र, रेडियो, वो काम नहीं कर रहे थे, तो लेखक काफ़ी परेशानी हुई। लेकिन जो दूसरा उसके नज़दीक से एक और पायलट गुजर रहा था, ऐसा उसको प्रतीत हो रहा था, उसने उसको अपने पीछे आने का इशारा किया। वो उसके पीछे कुछ दूरी चला, लेकिन जो राइटर है, लेखक है, उसके जो डकोटा जो एरोप्लेन है उसमें जो फ्यूल है, वो ईंधन, वो 5 या 10 मिनट का था, तो वो ख़त्म होने वाला था। तो लेखक को ये बहुत ही हैरानी हुई कि अब कैसे आएं। तो लेखक ने अपना जो डकोटा जो एरोप्लेन था वो नीचे लैंड करवाता है और सुरक्षापूर्वक वो अपने स्थान पर पहुंच जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह होती है, तब उसको पूछा जाता है कि एक और हवाई जहाज वाला कौन था। तो वो उस रात्रि जो उसके पीछे, उसको वैसे ही प्रतीत हो रहा था, उसके पीछे कुछ नहीं था, केवल लेखक का ही एरोप्लेन था। तो इसमें देखिए, हम रीड करते हैं तो इसकी अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी। देखिए, द ब्लैक एरोप्लेन इज ए मिस्टीरियस स्टोरी रिटन बाय फ्रेडरिक फॉरसेथ। द ब्लैक एरोप्लेन, जो फ्रेडरिक फॉरसेथ द्वारा एक रहस्यात्मक कथा है, स्टोरी है, मिस्टीरियस क्या होता है, रहस्यात्मक, मिस्टीरियस क्या होता है, रहस्यात्मक कथा है। ही इज ए पायलट, वह एक पायलट है। कौन? राइटर, राइटर एक पायलट है। वन डे ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम फ्रांस इन हिज डकोटा एरोप्लेन। एक दिन ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम फ्रांस, अपने डकोटा हवाई जहाज में फ्रांस से लौट रहा था। ही वाज गोइंग टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड जा रहा था। सडनली, सडनली क्या होता है, अचानक। ही सा ह्यूज स्टॉर्म क्लाउड्स ऑन हिज वे,
हाइज क्या होता है, विशाल, स्टॉर्म, स्टॉर्म क्या होता है, तूफानी, क्लाउड्स, बादल, ऑन ही अपने रास्ते में, सडनली ही सा ह्यूज स्टॉर्म क्लाउड्स ऑन हिज वे, यानी अचानक उसको रास्ते में तूफानी बादल मिले, बादल दिखे, ही फाउंड दैट हिज कंपास हैड सीज्ड टू वर्क, ही फाउंड उसने देखा दैट की हिज कंपास, कंपास क्या होता है, दिस कंपास क्या होता है, दिशा, दिशा सूचक यंत्र, कंपास क्या होता है, दिशा सूचक यंत्र, सीज यानी बंद हो गया था काम करना, वर्क मीन्स काम, सीज सीज हो गया था, बंद हो गया था, ही फाउंड उसने देखा दैट की हिज कंपास हैड सीज टू वर्क, यानी उसके जो दिशा सूचक यंत्र थे वो काम करना बंद कर दिया था, ही ट्राइड टू कंटेक्ट द पेरिस कंट्रोल फॉर डायरेक्शंस, यानी ही ट्राई क्या होता है, ट्राई कोशिश की टू कंटेक्ट करने की द पेरिस कंट्रोल रूम, जो पेरिस जो कंट्रोल रूम है उसमें दिशा निर्देशों जो निर्देशकों के लिए उन्होंने पेरिस कंट्रोल रूम में कोशिश की, बट लेकिन ही वाज शॉक्ड टू फाइंड दैट हिज रेडियो हैड आल्सो स्टॉप्ड वर्किंग, बट लेकिन ही वाज शॉक्ड उसे बहुत हैरानी हुई टू फाइंड देखकर दैट की हिज रेडियो हैड आल्सो स्टॉप्ड वर्किंग, कि जो उसका जो रेडियो था उसने भी काम करना बंद कर दिया था, सडनली अचानक द राइटर सा ए ब्लैक एरोप्लेन, अचानक लेखक अपने नज़दीक से एक हवाई जहाज देखता है, देखा सडनली द राइटर सा ए ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम, यानी अचानक लेखक ने अपने नज़दीक एरोप्लेन हवाई जहाज देखा, ही कुड सी द पायलट इन इट, ही कुड सी वह देख सकता था, द पायलट इन इट उसमें, वह उसमें पायलट देख सकता था, द पायलट वेव्ड द राइटर टू फॉलो हिम, द पायलट वेव्ड द राइटर टू फॉलो हिम, पायलट ने लेखक को अपने पीछे आने का इशारा किया, पायलट ने लेखक को अपने पीछे आने का इशारा किया। तो देखिए ही फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड, ही फॉलोड उसने पीछा किया ब्लैक एरोप्लेन काले हवाई जहाज का, लाइक एन ओबीडेंट, ओबीडेंट क्या होता है, आज्ञाकारी, ओबीडेंट क्या होता है, आज्ञाकारी, चाइल्ड मीन्स बच्चा, उसने काले हवाई जहाज का एक बच्चे की तरह पीछा किया, नाउ इट वाज एन हावर सिंस द राइटर हैड बीन फॉलोइंग द ब्लैक एरोप्लेन, नाउ अब इट वाज एन हावर आधा घंटा हो गया, सिंस द राइटर लेखक को हैड बीन फॉलोइंग द ब्लैक एरोप्लेन काले हवाई जहाज का पीछा करते हुए, यानी अब लेखक को आधा घंटा हो गया काले हवाई जहाज का पीछा करते हुए, ही वाज वरी, वरी क्या होता है, चिंतित, ही वाज वरी उसे वह चिंतित हुआ, बिकॉज क्योंकि द फ्यूल इन हिज प्लान कुड लास्ट ओनली 5 और 10 मिनट्स,
वह चिंतित हुआ क्योंकि उसके जो प्लेन जहाज में केवल 5 या 10 मिनट का ही ईंधन बचा हुआ था। जस्ट देन द ब्लैक एरोप्लेन स्टार्टेड टू गो डाउन एंड द राइटर फॉलोड इट। मगर तभी द ब्लैक एरोप्लेन काले हवाई जहाज ने स्टार्टेड शुरू कर दिया गो डाउन नीचे जाना। मगर तभी काले हवाई जहाज ने नीचे जाना शुरू किया एंड द राइटर फॉलोड इट और लेखक ने उसका पीछा किया। सडनली क्या होता है, अचानक द राइटर वाज आउट ऑफ द क्लाउड्स। अचानक द राइटर लेखक ने वाज आउट ऑफ द क्लाउड, अचानक लेखक क्लाउड्स यानी बादलों से बाहर आया, बादलों से बाहर था। ही कुड सी द लाइट्स ऑफ द रनवे ऑफ द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट क्या होता है, हवाई पट्टी। एयरपोर्ट क्या होता है, हवाई पट्टी यानी एयरपोर्ट क्या होता है, हवाई अड्डा, और रनवे क्या होता है, हवाई पट्टी। तो इसमें ही कुड सी, वह देख सकता था द लाइट ऑफ द रनवे ऑफ द एयरपोर्ट, वह हवाई अड्डे की जो पट्टी थी उसको वो देख सकता था, जो लाइट रोशनी को वो देख सकता था। द राइटर लेखक ने लैंड किया उतारा हिज डकोटा एरोप्लेन। लेखक ने अपना जो हवाई जहाज था डकोटा जो प्लेन था उसको नीचे लैंड किया, नीचे उतारा। इन दिस वे इस प्रकार इट इज एन इंटरेस्टिंग एंड मिस्ट्रियस स्टोरी। इस प्रकार यह एक इंटरेस्टिंग क्या होता है, रोचक, रुचिकर, मिस्ट्रियस क्या होता है, रहस्यात्मक क्या होता है, रहस्यात्मक स्टोरी, कहानी, कथा। इस प्रकार यह एक रोचक और रहस्यात्मक कथा है। तो इसमें जो राइटर है वो इसमें अच्छी तरह से उसका इस लेसन में वर्णन किया गया है। थैंक्स।